कालाम वादी सबात में वाके न सिर्फ सियाहत बल्कि यहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी की वजह से न सिर्फ सूबे भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर जन्नत नज़ीर वादी है। सतह समंदर से 6,600 फुट के बुलंदी पर यह वाक़ई खत्ता सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत तरीन झीलों वादियों चुरागाहों और खूबसूरत नीले दरियाओं का एक दरवाज़ा है। जी हाँ, कलाम से आगे जाकर आप महुडन झील, कंडोल झील, शाही बाग, बाटगुई पास और उतरोल जैसी वादियों को जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने रात को 3 बजे 4 सदा से अपने सफर का आगाज किया और सुबह हम 8 बजे कलाम पहुंच गए। कलाम पहुंचते ही खूबसूरत नज़ारे देखकर हमारे दिलों को सुकून, आंखों को ठंडक और जहनों को इत्मीनान मिला। कलाम पहुंचने के लिए आपको इस्लामाबाद और पेशावर से बरास्ता मोटरवे 6 से 7 घंटे लगेंगे। अगर रश ना हो और अगर आप रात को ट्रेवलिंग करें तो आप 5 घंटों में भी पहुंच सकते हैं। गर्मियों के मौसम में तो आप कलाम से आगे 4x4 जीप और बाइक के ज़रिए आगे कहीं भी जा सकते हैं या अपनी गाड़ियों के ज़रिए भी आप किसी न किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से आप सिर्फ़ शाही ग्राउंड, उशू फॉरेस्ट और कलाम के आसपास जितने भी गांव हैं वहां तक महदूद हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में ब्यूम मेडोज़, शाही ग्राउंड, उशू फॉरेस्ट और कलाम के मनाजिर आपको दिखाएंगे। तो पहले ही रोज हमने ब्यून मेडोज की हाइकिंग की। ये कलाम से ऊपर एक बस्ती है जहां तक आप पैदल भी जा सकते हैं और गर्मियों में बाई रोड बाइक और 4x4 जीप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहां पर चूंकि बर्फ थोड़ी सी ज्यादा होती है कलाम के नस्बत, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक एडवेंचर भी हो जाएगा और ज़्यादा बर्फ़ में हम एंजॉय भी कर लेंगे। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम होटल से बाहर आए ताकि हम कलाम के सुबह के नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज हों। ये पीछे जितना एरिया भी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कलाम सिटी है। और ये ऊपर का जो रास्ता है ये ऊपर शाही ग्राउंड है जहाँ पर कल, आज और परसों कलाम स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू है। बेसिकली इसका नाम जो है इस ग्राउंड का, इसको शाही ग्राउंड कहते हैं जो कि कलाम। ये आप पीछे देख रहे हैं ये है उशू फॉरेस्ट। ये जितनी भी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं उशू फॉरेस्ट। तो ये बिल्कुल उशू के साथ ही है।
इस ग्राउंड में बेसिकली गर्मियों में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन गर्मियों के साथ साथ यहाँ पर सर्दियों में भी, क्योंकि ये ग्राउंड है और ये स्नो से भरा हुआ होता है, तो यहाँ पर सर्दियों के गेम्स भी यहाँ पर किए जाते हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, अभी भी एक कालाम स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू है, तो इस तरह के मुख्तलिफ तकरीबात किए जाते हैं इस महीनों में, क्योंकि ये अब फरवरी का महीना है। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये है कालाम सिटी और ये इसके बिल्कुल ऊपर ही है ये ग्राउंड, और ये साथ में उशु फॉरेस्ट है। उशु फॉरेस्ट को के अंदर जाकर आप सीधा महुडंड लेक को जा सकते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में बंद रहता है ग्लेशियर की वजह से। और ये इस तरफ पर जो रोड जाता है, ये जाता है उत्रोड और फिर बादगुई पास और फिर जाकर कुमराट से मिलता है। तो ये बेसिकली एक जंक्शन है जहाँ से एक रोड महुडंड को जाता है, नीचे आप कालाम सिटी जाते हैं और इस साइड पर आप कुमराट को भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ गर्मियों के सीजन में। ये बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, सर्दियों में अमूमन ये बच्चे यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं, और इस तरह बर्फबारी होने के बाद बर्फ के मुख्तलिफ खेल ये बच्चे एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं, विंटर वेकेशन होते हैं, तो उसकी वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जाते और यहाँ पर गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों के मनाजर हम आपके साथ हमेशा शेयर करेंगे, जो कि बहसियत एक पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू सो मच अगेन।